अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्वेश्चन था टेक्निक ऑफ प्राइसी राइटिंग। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, प्राइसी इज अ समरी। इसमें हमने राइटर के ओरिजिनल थॉट्स और अप्रोचेस को उठाना है और उसको एज इट इज़ अपने वर्ड्स में लिखना है, उसके वर्ड्स में नहीं लिखना, और उसको मिनिमम वर्ड यूज़ करते हुए या मिनिमम क्वांटिटी में भी लिखना है। जैसे ये कि एक थर्ड या अगर 99 वर्ड्स है तो हमने 33 वर्ड्स में उसको लिखना है। इसके जो की पॉइंट है वो यही है कि हमने जो ऑथर का पर्पज़ है उससे हमने नहीं हटना, ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर हमने रहना है, और इसको बनाने से पहले हमने अपने माइंड में एक माइंड मैप बनाना है और उस माइंड मैप को फॉलो करना है, और एट द एंड पे हमने अपनी ही प्राइसी को रिव्यू लाजमी करना है। और ये बात बिल्कुल पॉइंट आउट करनी है कि हम जो हमने अपनी समरी लिखी है, जो हमने प्राइसी लिख ली है, वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कनेक्टेड है, वो वेल कनेक्टेड होनी चाहिए। तो इसमें और कीवर्ड भी हम ऐड कर लेते हैं। पहले हमने शॉर्टर वर्ड यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल हमने बिकॉज यूज़ करना है, और जो वर्ड पैराग्राफ में लिखे होंगे हमने वो वर्ड एज इट इज़ नहीं लिखने, हमने मैक्सिमम अपनी वोकेबलरी यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल कॉमनली वर्ड यूज़ होता है एक पैराग्राफ में ऑन द अदर हैंड, हमने ऑन द अदर हैंड को ऑन द कंट्रेरी इस तरह अपनी वर्डिंग में चेंज कर देना है। हमने इसको सिंपल रखना है और फ्रेजेस यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें कोई फ्रेजेस, कोटेशन या फिर इस तरह की कुछ चीज़ आती है उसको हमने एज इट इज़ लिखना है, वो इसके स्टेप्स में आ जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें हमने कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज़ करने, कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स डोंट, आइल और यू आर, हमने यू आर को यू आर लिखना है, यू आर करके मतलब कि वो जो कॉमास वगैरह होते हैं वो नहीं यूज़ करना। और इसमें एक रूल यूज़ होता है रिड्यूस योर वर्ड काउंट, मीन्स कि हमने वेरी, सो, लोट, रियली इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करने। और इसको हमने फाइनलाइज करना है, चेक करना है कि ये हमने बिल्कुल ओके हमने माइंड पे बना लिया है या अभी भी इसमें कोई एरर है। अब जो चीज़ें इसमें अवॉइड करनी है वो है कि हमने अपनी इंटरप्रेशन नहीं देनी, मतलब कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखना, हमने इस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना बिल्कुल भी, हमने असम्पशंस टेक्स्ट के बारे में नहीं देनी। और अब हम इसके स्टेप्स को देख लेते हैं कि इसका स्टेप किस तरह है। स्टेप नंबर वन में हमने देखना है कि इसको हमने सबसे पहले जब एक पैराग्राफ हमारे सामने आ जाता है हमने उसको स्किम करना है। स्किम मीन्स कि हमने उसको एक सरसरी नज़र से देखना है, और हमने उसको सरसरी नज़र से देखने के बाद उसको उसमें हमने जो मेन पॉइंट होंगे उसको हाईलाइट कर लेना है, और फिर उसके बाद हमने उस पैराग्राफ को सेकंड टाइम फुल रीड करना है। हमने उसे मेजर आइडियाज़ उठाने हैं, अटेंशन जहाँ पे किया वो उठाने हैं, सब टाइटल्स उठाने हैं, और जो मेजर पॉइंट है वो उठाने हैं, रीजंस उठानी हैं, फैक्टर्स होते हैं वो उठाने हैं, और इसी तरह ही मतलब इन चीज़ों को हमने अंडरलाइन कर लेना है। सूटेबल टाइटल्स एक हमने पिक कर लेना है स्टेप वन में। स्टेप टू में हमने फ्रेज और लाइंस या कोटेशंस वगैरह जो होती हैं हमने उनको लेना है और उनको एज इट इज़ लिख देना है। जो फ्रेजेस और लाइंस या कोटेशन होती हैं इनको हमने अपने वर्ड्स में नहीं लिखना। और स्टेप थ्री में हमने मैक्सिमम अपनी वर्डिंग या अपनी वोकैबुलरी यूज़ करनी है। हमने उसका जो पैराग्राफ की तरतीब है या जिस ऑर्डर में राइटर ने लिखा हुआ है उस ऑर्डर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, यानी कि आइडिया को बिल्कुल एज इट इज़ हमने इम्प्लीमेंट कर देना है अपनी प्राइसी में। और इसमें भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं हमने यहाँ पे यूज़ करना, और दो सेंटेंस को हमने जोड़ने की कोशिश करनी है या हमने उसको मिनिमम वर्ड में डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है। स्टेप फोर में हमने देखना है कि ये एक्यूरेट है, इसको हमने सही तरह से स्किम कर लिया है और अपने ही वर्डिंग में हमने लिखा है, और इस स्टेप फोर में ये हमने देखना है कि इसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं है या इसमें हम कोई एरर नहीं डाल रहे, यानी कि कोई सवाल या निशान तो नहीं हमारे माइंड में आ रहा कि हमने कोई चीज़ स्किप कर दी है।
और एंड पे जो मेन पॉइंट इसमें मैंने ऐड किया है वो मतलब सिलेबस में भी नहीं था, ग्रामर इसमें हमने थर्ड पर्सन, हम एज ए थर्ड पर्सन इसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो इसको भी ग्रामर में हमने थर्ड पर्सन ही डिस्क्राइब करना है। इनडायरेक्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है और मैक्सिमम टाइम हम इसमें पास्ट टेंस ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कहीं पे आ जाता है तो वहाँ पे हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, बाकी अदरवाइज हमने पास्ट टेंस ही यूज़ करना है।